बहुत सहली है, अब नहीं सहेंगे। आज अगर रेल विभाग वालों ने मरने वालों की लिस्ट में मेरी बेटी का नाम नहीं निकाला तो धरना देंगे, अन्न जल त्याग देंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे। अरे भाई कोई सुन रहा है? अरे ये सरकारी विभाग वाले आम आदमी के खून चूसने की तनख्वाह पाते हैं या अपना काम करने की? आज हम इनकी लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं, कल इनकी भ्रष्टाचार के भुगतते रहेंगे। बताइए, ये ना आदमी की उम्र का ख्याल करते हैं ना ही उनके हालात की। आज मेरी बेटी के मरने की मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। ये सोचते हैं कि ये अपने पॉकेट से मरने वाले की घर वालों को भीख दे रहे हैं, जब इनके जी में आता है तब देते हैं, चाहे इनके दफ्तर की कितने भी चक्कर काटते रहो, इनके सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इसका कुछ तो इलाज होगा, कब तक चलती रहेगी इनकी मनमानियां? अरे आज ये बूढ़ा इनका शिकार हुआ है, कल आप सब होंगे। अरे कल ये हुए, कल वो होंगे। आइए हम सब मिलकर के इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हम बता देते हैं कि आम आदमी के दिल में इनके खिलाफ कितनी नफरत है। आइए जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, इस बूढ़े का साथ दीजिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए।